जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट नाउ ऐसे शो होगा कि सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड, और उसके बाद एक्सेप्ट करें और ये जो नॉट रिक्वायर्ड हो रखा है इसको आप बॉट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है टैली डीजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैच, इस पैच को आप डाउनलोड कर ले, आपका जो डेटा डिफाइन करेगा, मान लीजिए आपका डेटा जो आपकी एंट्री ज्यादा है, डेटा ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। तो डाटा हमारा कंप्लीटली इंपोर्ट हो चुका है, अब हम सबको चेक कर लेते हैं करके, सबसे पहले डेबुक चेक करते हैं यहाँ से डेट डिफाइन करके, तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीटली जो डेबुक है, यानी कि देखो आप देख पा रहे होंगे हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें अगर बिजी का डेटा मार्ग में लेके आना है और कंप्लीट ट्रांसफर लेके आना है, मतलब कि बिजी में जो भी उन्होंने सेल करी है, परचेज करी है, चाहे उनके आइटम हो पार्टी बैलेंस हो या आइटम बैलेंस हो, तो सारा का सारा डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं मार्ग में बिजी सॉफ्टवेयर से, तो इसको हम समझेंगे सारे के सारे प्रोसेस को। सबसे पहला प्रोसेस आपका मार्ग सॉफ्टवेयर में है कि आपको यहाँ पे भी एक दो सेटिंग आपको पहले से करनी होगी, जैसा कि ये ऑप्शन जो आपको मिलता है रिपोर्ट्स में जाके मैनेजमेंट रिपोर्ट यूटिलिटी में आपको डेटा ट्रांसफर, और डेटा ट्रांसफर में यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है टैली एंड बिजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट नाउ ऐसे शो होगा कि सॉरी यू आर नॉट ऑथोराइज। तो इसमें एक से दो सेटिंग आपको करनी है, पहला जो आपको सेटअप करना है वो करना है मार्ग सेटअप में आके कंट्रोल रूम, और यहाँ सर्च इन ऑल पे आपको लिखना है डाटा इंपोर्ट, देन उसके बाद एक्सेप्ट करें, और ये जो नॉट रिक्वायर्ड हो रखा है इसको आप बॉथ कर दीजिए कि आप इंपोर्ट भी कर सकें एक्सपोर्ट भी कर सकें। उसके बाद एस्केप और इसको यस कर दीजिए। तो पहली सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या अब ये ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली। तो देखिए ये ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे आपको शो हो रहा है, पर कभी कभी यहाँ पे भी आपको जो है इस सेटिंग को करने के बाद भी जो है यहाँ पे फिर भी आपको यू आर नॉट ऑथोराइज बताता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका दूसरी बार में भी नहीं होता तो आपको मार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है मार्क सॉफ्टवेयर की, आपको यहाँ पे जाना है, डाउनलोड नाउ पे भी जा सकते हैं या फिर आपको जो यहाँ पे मेनू दिख रहा है डाउनलोड्स का वहां से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करना है और नीचे की साइड में जाना है, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है टैली डीजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैच, इस पैच को आप डाउनलोड कर ले, जैसा कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये दो फॉर्म में दिखेगा, यदि आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल है तो आपको विनरार के फॉर्म में दिखेगा, यदि जिप इंस्टॉल है तो जिप की तरह आपको यहाँ पे दिखेगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे कि ये जिप है डायरेक्टली ओपन हो गया, अगर विनरार है तो पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है मार्क के फोल्डर में जहां पे भी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल्ड है। यदि आपको नहीं पता लग रहा कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड है तो आप मार्क के आइकन पर राइट क्लिक करें और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर दें, देन उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर कहीं भी इंस्टॉल्ड होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस कर देना है आपको। अगर कोई दूसरा एरर आपको शो होता है तो आपको यही पैच जो है डाउनलोड करके मार्क के फोल्डर में पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको सिंपली जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। टैली के लिए भी मैं आपको एक कंप्लीट जो है वीडियो दूंगा कि टैली का डेटा कैसे ट्रांसफर करें अब हमारे मार्क सॉफ्टवेयर में, लेकिन अभी जो हम समझेंगे वो बिजी के बारे में समझेंगे कि बिजी का डेटा कैसे इंपोर्ट करें। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि इंपोर्ट आप सिर्फ मास्टर लेना चाहते हैं विदाउट बैलेंस, आप मास्टर लेना चाहते हैं, मास्टर में आपका जो है इन्वेंट्री और जितनी भी पार्टी है आपकी वो पार्टी यानी कि लेजर ये आएगा बैलेंस के साथ, और अगर आप फुल ट्रांसफर चाहते हैं, फुल ट्रांसफर में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है सेल परचेज जितनी भी आपने एंट्रीज करी होगी कॉन्ट्रा से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड तो वो सारी चीज आपको मिलेगी, देन उस पे देन इन्वेंटरी पे आप क्लिक करेंगे जबकि बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक मास्टर फाइल और एक चाहिए ट्रांजेक्शन फाइल, अब ये आपको कैसे मिलेगी, बिजी सॉफ्टवेयर से मिलेगी। देन आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये यहाँ पे पूरा एक इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया हुआ है कि बिजी सॉफ्टवेयर से आप इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए बिजी ओपन करेंगे, कंपनी ओपन करना है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, उसके बाद डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो फाइलें बताई हुई है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन भी आपका लिखा हुआ है बट मैं आपको फुल्ली प्रैक्टिकल बताऊंगा कि बिजी से कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। तो चलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। तो बिजी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अब सिंपली आपको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटर पे, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल, आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट डाटा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे मास्टर और ट्रांजेक्शन,
और मार्च सॉफ्टवेयर में जो हमने सेटअप किया है उसमें इन्हीं दो फाइल की रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स और ट्रांजेक्शन दोनों आए अगर आप फुल ट्रांसफर चाहते हैं तो पहले हम मास्टर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक किया तो मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो बाय डिफॉल्ट क्लिक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आइटम पे ग्रुप पे क्लिक है तो आप इसको ऑल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शंस जो है अकाउंट के सारे ऑल रखने हैं और उसके बाद ये जो टिक हो रखे हैं सभी पे बाय डिफॉल्ट टिक ही रहने दें, या फिर अगर किसी पे टिक नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल टिक। अगर ये मान लीजिए कहीं यहाँ पे क्लिक है कहीं अनक्लिक है तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो हमें डेटा इम्पोर्ट करना है मार्ग में कंप्लीट ट्रांसफर, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट इम्पोर्ट कर देना है पहले स्लैब में जो आपको दिया हुआ है। दूसरे स्लैब में आपको कुछ नहीं करना, दूसरे स्लैब में आपको ऑल अबव मेंशन मास्टर पे क्लिक कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बिजी सॉफ्टवेयर से कुछ डेट की एंट्री ही मार्क में इम्पोर्ट हो, मान लीजिए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का डेटा इम्पोर्ट हो, आप नहीं चाहते कि फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट डेटा इम्पोर्ट हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे उस कंडीशन में। देन उसके बाद आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के लिए डेटा आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फुल ट्रांसफर तो आप ऑल पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपको दिखेगा बैलेंस, जो आपको तीसरा स्लैब दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप मास्टर लेना चाहते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी कि आज की डेट में कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है और किस किस पार्टी का क्या बैलेंस है आज की डेट से लेकर, तो उस कंडीशन में आपको क्लिक करना है क्लोजिंग बैलेंस पे। और यहाँ पर भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं कि कब तक का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप डालें 31/3/2000, जैसे कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो 31/3/22 डालेंगे आप, जो अभी करंट चल रहा है, करंट सिनेरियो जो चल रहा है। और यदि आप चाहते हैं फुल ट्रांसफर तो आप ओपनिंग बैलेंस पे ही क्लिक करें। देन जो 34 स्लैब में आपको दिखाई दे रहा है बिल वाई बिल रेफरेंस अनक्लियर बैंक एंट्रीज, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक करके आप रखें। उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीजों को देख रहे होंगे, सिर्फ तीन पोर्शन पे आपके क्लिक नहीं है, एक कंप्रेस डाटा और एक फिल्टर और एक एक्सपोर्ट डिलीटेड मास्टर, ये तीन को छोड़कर बाकी सभी पे जो है क्लिक अवेलेबल होना चाहिए। जब ये सारे आपके काम हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ बताना यानी कि लोकेशन कि आपका जो डेटा एक्सपोर्ट हो तो वो कहाँ पर जाए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि डी ड्राइव में जाए, तो मैंने डी ड्राइव को क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद यस। अभी जो डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा ये आपका जो है डेटा ही डिफाइन करेगा। मान लीजिए आपका डेटा जो आपकी एंट्रीज ज्यादा है, डेटा आपका ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको टाइम लगेगा इसमें। और अगर आपका डेटा कम है तो बहुत ही कम समय आपको यहाँ पे लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मास्टर की फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम जो है ट्रांजेक्शन की फाइल को भी करेंगे। अब हमें ट्रांजेक्शन की फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, उसके बाद डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जाना है आपको, देन डाटा एक्सपोर्ट, उसके बाद डाटा एक्सपोर्ट डाटा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे भी आपके लिए यही कंडीशन है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ महीने का डेटा यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो उसके लिए आप डेट डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप डेटा लेना चाहते हैं, डेट डिफाइन कर सकते हैं। हमें फुल ट्रांसफर करना है तो हमने पूरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डाला हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे डी ड्राइव जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप इसे यस करें। अब ये डेटा आपका एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी जो है आपके डेटा के ऊपर है कि आपका डेटा कितना है और कितना समय उसमें लग सकता है, ये आपका डेटा डिफाइन करेगा। तो हम वेट करते हैं कब तक ये होता है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है यानी कि दोनों फाइल अब हमारे पास अवेलेबल है। अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इन दोनों को हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ से ब्राउज करते हैं पहले मास्टर फाइल को, ब्राउज पे क्लिक किया और ये फाइल जो है हमारी डी ड्राइव में जैसे कि आप देख पा रहे हैं MS के नाम से होगा, इस पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर दें। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन की फाइल को लेंगे तो सिंपल ब्राउज की फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे VH के नाम से होगा, देन उसको सिलेक्ट करें। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड। अब जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो जितना टाइम हमें बिजी के डेटा को एक्सपोर्ट करने में लगा है उतना ही टाइम हमारे को यहाँ पर भी लगेगा, यानी कि लगभग 19-20 का अंतर होगा। अगर हमारे वहां पे 10 मिनट लगे हैं, 12 मिनट लगे हैं, 15 मिनट लगे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 14 मिनट या 12 मिनट या 16 मिनट इसके हिसाब से टाइम लगेगा। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में लाइन्स को बना रहा है यानी कि डेटा को इम्पोर्ट कर रहा है आपकी। अब ये जो टाइम है डेटा के ऊपर ही डिफाइन है कि कितना समय लग सकता है।
तो डाटा हमारा कम्प्लीटली इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम सबको चेक कर लेते हैं कि करके, सबसे पहले हम डे बुक चेक करते हैं यहाँ से डेट डिफाइन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कम्प्लीटली जो डे बुक है, यानी कि देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी सेल एंट्री, परचेज एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, पेमेंट एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितनी भी तरह की एंट्रीज करी हुई थी बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। आप बैलेंसेस देखना चाहें कि आपकी क्या डेटर बैलेंस है, तो देखिए इनके बैलेंस भी आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे जो आपके पुराने सॉफ्टवेयर में था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपको बिजी से जो है मार्ग में डेटा ट्रांसफर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको इसमें मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।